क्लास एएचडीपी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। आज का टॉपिक है रक्त का थक्का जमना या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि रक्त कैसे जमता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। रक्त का जमना इस प्रक्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं और ब्लड जमने में समय लेता है 4 मिनट। ब्लड 4 स्टेप में जमता है। फर्स्ट स्टेप होती है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। ये होती है फर्स्ट स्टेप रक्त के जमने की। सेकेंड स्टेप, इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयन से दोस्ती करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा, उससे क्या बनेगा, थ्रोम्बिन। थर्ड स्टेप, जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा और फाइब्रिन बनेगा। ये है ब्लड क्लॉटिंग की थर्ड स्टेप। फोर्थ नंबर स्टेप है, जो फाइब्रिन है उसकी आकृति जाली नुमा होगी और इसमें जो रुधिराणु है, रुधिराणु में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो फाइब्रिन की आकृति जाली नुमा इस प्रकार होगी, इसमें जो रुधिराणु के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होगी वो आके यहाँ पे फंस जाएगी और वायु के संपर्क में आने के कारण वहां पे एक पर्त बन जाएगी, उसे रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। ये आज का टॉपिक यह कंप्लीट होता है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। ओके, थैंक्स।